हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों, काफ़ी सारे जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कनाडा आना चाहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम होता है कि उनको जो एजेंट मिल रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं, वो किस तरह से पता करें। तो काफ़ी केसेस में ये देखने को मिलता है कि जो एजेंट्स होते हैं वो आपको काफ़ी अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें करते हैं और आपको हथेली में चांद दिखा देते हैं। बोलते हैं कि आप हमारी फ़ीस भर दो, उसके बाद आप 6 से 8 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर हम आपको कनाडा भेज देंगे। और फिर आप ट्राई करते रहते हो, लेकिन कितनी भी कोशिश करो, लेकिन आईएल्स में कम स्कोर आता है या फिर कुछ भी हो जाता है, आप सब कुछ कर देते हो, लेकिन एजेंट है वो आपकी फ़ाइल लगाता ही नहीं है, आपको अवॉइड करता रहता है। जब आपने पैसे नहीं भरे होते तब तक तो आपको ये बोलता है कि आप फ़ीस भर दो, उसके बाद हम आपकी प्रोसेस कर देंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे। लेकिन एक बार जब आप एजेंट की फ़ीस भर देते हो, उसके बाद तो वो आपको भूल ही जाते हैं कि भाई कौन हो आप। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आप ढूंढ रहे हो कि हम कैसे पता करें कि जेन्युइन एजेंट कैसे है और किस तरह से वो हमारी हेल्प करते हैं, तो आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो कनाडा की लाइफ के बारे में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मेरी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, एजेंट्स है वो दो तरह के होते हैं। पहले जो एजेंट्स होते हैं वो PR की फ़ाइल लगाते हैं और दूसरे जो एजेंट्स हैं वो स्टूडेंट वीज़ा का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप ये पता कर सकते हो कि वो एजेंट का फ़ायदा किस में है। अगर एजेंट का फ़ायदा उसमें है कि आप कनाडा पहुँच जाओ, तो फिर वो आपको ज़रूर भेज देगा। लेकिन अगर एजेंट का फ़ायदा है कि आप कनाडा पहुँचो या ना पहुँचो, उससे उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो उनके पैसों से मतलब है, उनकी फ़ीस से मतलब है। तो उस केसेस में जो ऐसे एजेंट्स होते हैं वो आपके लिए कुछ भी ज़्यादा काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 1 by 1 देखेंगे, पहले स्टूडेंट वीज़ा और बाद में PR वाले एजेंट के बारे में। तो देखिए, स्टूडेंट वीज़ा वाले जो एजेंट्स होते हैं ना, उनकी जो फ़ीस होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। हार्डली 10 से 20 हज़ार रुपीज़ उनकी जो फ़ीस होती है, और वो आपकी जो भी पूरी फाइल होती है वो प्रोसेस कर देते हैं। और ये जो करने के उनको जो चार्जेस है वो काफ़ी नॉमिनल रहते हैं। और उनका जो इनकम का मेजर सोर्स होता है वो कैनेडियन यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वगैरह होती है, जहाँ पर वो आपका एडमिशन करवाते हैं। वहाँ से उनको 15%, 20%, 30% ऐसी कमीशन की फ़ीस मिलती है। और काफ़ी सारे एजेंट्स ये भी करते हैं कि उनको जो कोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा कमीशन मिल रही है वो वाला कोर्स आपको सजेस्ट कर देते हैं, चाहे फिर आपका वो कोर्स लेकर फ्यूचर हो या ना हो। तो ऐसे जो भी एजेंट्स होते हैं, आपको थोड़ा इंक्वायर करना है कि आपने जो भी फील्ड में स्टडी करी है उसके साथ साथ आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके बेसिस के ऊपर आप कनाडा में कोई ऐसा कोर्स चूज़ करो कि जिसके अंदर आपका फ्यूचर हो, आपके फील्ड की वहाँ पर जॉब है वो काफ़ी ज़्यादा हो और आपको PR मिलने में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगर उस टाइप के कोर्सेज वगैरह आपको सजेस्ट किए जाते हैं, ना कि उनके जो अच्छे लग रहे हैं, तो फिर वो एजेंट है, वो जेन्युइन है, ये आप कन्फर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर एजेंट का फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप कनाडा पहुँच जाते हो तो उनकी जो कमीशन की फ़ीस होती है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की ओर से, वो उनको मिल जाती है और वही उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो इस केस में फ़ायदा एजेंट का ये है कि आपको कनाडा पहुंचा दे, तो आप कनाडा पहुंच जाओगे, वो एजेंट का भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो PR वाले एजेंट्स होते हैं, तो PR वाले एजेंट्स जनरली क्या करते हैं कि आप उनके पास जाओ तो आपको बोलते हैं कि आप IELTS वगैरह दे दो, हम आपको कनाडा भेज देंगे, आपका डॉक्यूमेंट इवेल्यूएशन होगा, उसके बाद आप पहुंच जाओगे, आप अपना रिज्यूमे वगैरह सबमिट करो और हमारी जो फ़ीस है 1-1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये वो आप भर दो, उसके बाद 6-8 महीने में, 1 साल में आप कनाडा होंगे। तो ऐसे जो भी एजेंट्स होते हैं उनके ऊपर डायरेक्टली आपको ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो एजेंट आपको कभी भी ये नहीं बताएंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, कौन से प्रोग्राम में आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, कौन से NOC कोड से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके क्या चांसेस है, वो आपको ऐसा कुछ नहीं बता दे। जैसे ही आप पैसे भर दोगे उसके बाद फिर उनके नखरे स्टार्ट होते हैं कि देखिए, एक्सप्रेस एंट्री में तो आप एलिजिबल नहीं हो, हम आपको कोई ना कोई PNP प्रोग्राम से भेज देंगे, तो आप एक काम कीजिए, ये PNP प्रोग्राम से चले जाइए तो हम आपका ये जुगाड़ कर देंगे। फिर आप वेट करते रहते हो कि एजेंट आपको कब बुलाएगा, कब आपकी फ़ाइल लगेगी, क्योंकि आपके पास इमिग्रेशन से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप उनके भरोसे रहते हो, तो उस केसेस में आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एजेंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कनाडा पहुँचो या ना पहुँचो।
तो यहाँ पर एजेंट का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं कि आप कनाडा पहुँचो, उल्टा उसका नुकसान है कि अगर आपकी फ़ाइल लगेगी तो उसको पेपर वर्क करना पड़ेगा, सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसके बाद सारे फॉर्म्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सबमिट करने होते हैं। उसके बाद अगर आपको इनविटेशन आ गया तो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जॉब ऑफर लेटर्स है, रेफरेंस लेटर है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, तो ये सब करना होता है। लेकिन एजेंट्स क्या करते हैं कि आपको बस 1 लाख या 2 लाख रुपए भर दो हमें, बाकी का काम हम देख लेंगे। लेकिन आप जब वेट करते रहते हो लेकिन उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, एक बार आपने पूरी पेमेंट कर दी फिर आपको भूल जाते हैं कि आप कौन हो। तो ऐसे जो एजेंट्स होते हैं वहाँ पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो एजेंट्स है वो भी फेक नहीं है, क्योंकि वो उनको सब पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन करने की उनकी जो नीयत है वो नहीं होती है। तो उस केसेस में आपको एग्रेसिवली फॉलो अप लेना होता है कि देखो मैंने फाइल लगाई थी, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सबमिट किए थे, तो मेरा स्टेटस क्या है आप मुझे बताओ। उसके बाद आपको उनको कॉन्टेक्ट करता ही रहना है, आप बार बार उनकी ऑफिस पे जाओ, उनसे रेगुलर टच बनाओ, उनके जो भी काउंसलर वगैरह होते हैं उनको आप फॉलो अप लो और उनको पुश करो कि आप हमारा ये जो काम है वो कैसे करोगे। उसके बाद अगर कहीं पर अटक जाते हो तो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दो, सारी जो प्रोसेस होती है वो आप उनको रेगुलरली जब तक फॉलो अप नहीं लोगे तब तक ज़्यादातर केस में वो करते नहीं है। तो अगर आपको कनाडा जाना है, आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है, तो ही आप एजेंट्स के पास जाइए। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका एजुकेशन कम है, आपके आयल्स के स्कोर कम है, ना ही आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपकी स्किल से वो इतनी ज़्यादा कॉमन है कि जिसकी कनाडा में ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो उस केसेस में क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एजेंट के भरोसे बैठे रहोगे और आपकी फ़ाइल कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। और मैं ऐसे एक नहीं, काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी कमेंट्स डीएम आते हैं, उनको मैं जानता हूँ, काफ़ी सारे मेरे जो क्लाइंट हैं जिन्होंने 1-to-1 कंसल्टेशन लिया है वो भी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इस केसेस में। तो आपको यहाँ पर ये इंश्योर करना है कि जिस एजेंट के पास आप फाइल लगा रहे हो वहाँ पर आपको पहले ये जानना है कि आपके चांसेस क्या है कनाडा पहुँचने के। अगर आपके चांसेस नहीं है तो फिर वो पेमेंट करने का और वेट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप वेट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि एजेंट का फ़ायदा किस में है, अगर आप पहुँचे कनाडा उसमें है या आप ना पहुँचे उसमें है, तो आपको ये इंश्योर करना रहेगा। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे लोगों को ये वीडियो देखकर पता चलेगा कि कैसे हम एक अच्छा एजेंट है वो ढूंढ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मुझसे अपनी प्रोफाइल 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं, हमें कनाडा आना है तो किस तरह से आ सकते हैं, कौन सा रूट है, किस तरह से माइग्रेट कर सकते हैं, या फिर आने के बाद हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर आप भी मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर डीएम कीजिए, वहाँ पर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आप ये कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे कौन से टॉपिक के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। Thanks for watching the video.